अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नाइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो नाइन्थ प्रॉब्लम है फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी सैटिस्फाइंग से कॉट बी माइनस से के माइनस टू कॉड बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर हमें ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन डेट गिवन से के टू कॉड बी माइनस से के माइनस टू कॉड बी प्लस टू इक्वल टू जीरो तो ये हो गया हमारा गिवन अब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर टोटली चार टर्म है तो हम दो दो का ग्रुप बनाते हैं कि जिसमें हमें कॉमन मिल रहा है तो पहले दो का ग्रुप है से के कॉड बी माइनस से के इसमें ऑब्जर्व किया तो के कॉमन है सो वी टेक कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा कॉड बी माइनस वन और जो रिमेनिंग दो टर्म है दैट इज़ माइनस टू कॉट बी प्लस टू उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें टू कॉमन है और वी टेक माइनस साइन आल्सो सो फाइनली वी टेक माइनस टू कॉमन फ्रॉम द रिमेनिंग टू टर्म सो वी गेट इन ब्रैकेट कॉड बी माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो अब इसमें कॉड बी माइनस वन और यहाँ पे भी कॉड बी माइनस वन कॉमन आ रहा है so सोविट है कॉड बी माइनस वन कॉमन ब्रैकेट द रिमेनिंग टर्म्स आर से के एंड माइनस टू ए दैट वी राइट इन नेक्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट या टू टर्म्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स आइर फर्स्ट टर्म ज़ीरो और सेकेंड टर्म ज़ीरो देयरफो कॉड बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और सी के माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो देयर फो कॉड बी इक्वल टू माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन हो गया एंड फ्राम ट्रीगो टेबल कॉट फोर्टी फाइव का वैल्यू वन आता है कॉट पाई बाई फोर इक्वल टू वन सो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू मिला पाई बाय फोर और वीक एंड से फोटी फाइव डिग्री अब सेकेंड टर्म जो है हमारे पास और के माइनस टू इक्वल टू जीरो सो दैट गिव्स गिवज के इक्वल टू टू नाउ फ्रॉम ट्रिगो टेबल सेक सिक्सटी दैट इज फाई बाय थ्री इक्वल टू टू सो ऑन कंपेरिंग दिस टू वी हैव ए इक्वल टू फाय बाय थ्री रेडियन और Is equal to sixty degree. So hence, finally, A equal to sixty degree and B equal to forty five degree.